नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां हम डिफेंस और विदेश नीति से जुड़ी हर बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। इंडियन आर्मी ने प्राइवेट कंपनीज को पोर्टेबल हेलीपैड को डेवलप करने के लिए कहा है। पोर्टेबल हेलीपैड एक टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है जिसे आसानी से असेंबल और डिसमेंटल किया जा सकता है। इस तरह के स्ट्रक्चर की मदद से हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ और लैंड करने के लिए एक सुरक्षित स्थान मिल जाता है। हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ और लैंड करवाने के लिए ये एक बेहद ही कम खर्चीला और सुरक्षित और आसान तरीका है। इस तरह के स्ट्रक्चर की मदद से हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ और लैंड करने में मदद मिलती है, और ख़ास तौर पर वैसी जगहों पर जहां पर स्थायी हेलीपैड की ज़रूरत नहीं होती है, या कोई दुर्गम इलाका हो, या फिर समय और ज़रूरत के हिसाब से किसी भी आपातकाल स्थिति में हेलीकॉप्टर को लैंड करवाना हो। इस तरह के हेलीपैड की ज़रूरत वैसी जगहों पर ज़्यादा उपयोग में आते हैं जहां पर आर्मी या एयरफोर्स को तुरंत किसी तरह के ऑपरेशन को अंजाम देना होता है, या फिर किसी प्रकार की राहत पहुंचानी होती है। इंडियन आर्मी के तरफ से जो रिक्वायरमेंट रखी गई है, उसमें बताया गया है कि पोर्टेबल हेलीपैड का डिज़ाइन और स्ट्रेंथ ऐसा होना चाहिए जिस पर हर तरह के ट्रांसपोर्ट और अटैक हेलीकॉप्टर्स को लैंड और टेक ऑफ करवाया जा सके, जैसे कि CH-47 चिनूक, MI-17 और AH-64E अपाचे गार्डियन हेलीकॉप्टर, रुद्रा हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। हालांकि इंडियन आर्मी के दिए गए रिक्वायरमेंट से ये क्लियर नहीं है कि इस हेलीपैड में MI-26 हेवी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर को हैंडल करने की क्षमता होनी चाहिए या नहीं। MI-26 दुनिया के सबसे भारी हेलीकॉप्टर्स में शुमार है, और इंडियन आर्मी और एयरफोर्स इस तरह के हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल करती है। इन सभी हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल आर्मी को हमेशा करना पड़ता है, और अलग अलग ऑपरेशन के हिसाब से आर्मी इनका चयन करती है। लॉजिस्टिक सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेशल ऑपरेशन मिशन, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, आपदा में राहत पहुँचाना या बचाव कार्य करना, या किसी कॉम्बैट ऑपरेशन में एयर सपोर्ट देने के लिए आर्मी इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करती है। इस तरह के हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत इंडियन आर्मी को बहुत पहले से थी, और इसकी कमी तब खली जब पिछले साल लॉजिस्टिक सप्लाई को पहुंचाने के लिए चीन के साथ स्टैंड ऑफ के दौरान आनन फानन में हेलीपैड को बनाना पड़ा, और भविष्य में ऐसी स्थिति फिर से उत्पन्न न हो सके, इसीलिए आर्मी इस तरह के टेक्नोलॉजी को खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रही है। चीन और भारत का सीमा बहुत बड़ा है और काफ़ी पहाड़ी इलाका है, जिस वजह से हर जगह पर परमानेंट हेलीपैड को बनाना प्रैक्टिकल नहीं होगा, क्योंकि मेंटेनेंस के अभाव में वे खराब हो जाएंगे। और ऐसे जगहों पर इस तरह के पोर्टेबल हेलीपैड की मदद से हम तुरंत जरूरी कदम उठा सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी के तरफ से जो हेलीपैड के लिए 25 मीटर बाय 25 मीटर के डायमेंशनल रिक्वायरमेंट को रखा गया है, वहीं बड़े हेलीकॉप्टर्स के लिए 100 मीटर्स बाय 100 मीटर्स के रिक्वायरमेंट को रखा गया है। इंडियन आर्मी ने अपने रिक्वायरमेंट में बताया है कि इस पोर्टेबल हेलीपैड में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसकी मदद से इसके साइज को ज़रूरत के हिसाब से घटाया या बढ़ाया जा सके। पोर्टेबल हेलीपैड में इस्तेमाल होने वाला सामान 50% तक घरेलू होना चाहिए। पोर्टेबल हेलीपैड इतना मजबूत होना चाहिए कि ये एक हेलीकॉप्टर के भार को उठा सके। साथ में हेलीकॉप्टर के रोटर के घूमने से जो हवा का दबाव पैदा होता है, उसे भी झेलने वाला होना चाहिए। पोर्टेबल हेलीपैड का पूरा स्ट्रक्चर जंग रोधक होना चाहिए और एक मजबूत धातु से बना होना चाहिए। इस पोर्टेबल हेलीकॉप्टर को असेंबल करने के लिए केवल 10 लोग की ज़रूरत पड़नी चाहिए, और सतह तैयार हो जाने के बाद इसे केवल 90 मिनट में लगाया जाना चाहिए। वहीं इसके पूरे असेंबली को उपयुक्त टूल के साथ एक ट्रक से आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके, ये ऐसा होना चाहिए। हालांकि इस तरह के पोर्टेबल हेलीपैड का कॉन्सेप्ट इंडियन आर्मी के लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। इस तरह के फैसिलिटी का इस्तेमाल इंडियन आर्मी के द्वारा सियाचिन में किया जा चुका है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है।
अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कारण जरूर बताएं, ताकि अगली बार हम वीडियो को और भी अच्छे तरीके से आपके सामने रख सकें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद की सेना।